नमस्कार, मैं हिमांशु फोटोशॉप नाउ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ब्लॉट टूल क्या होता है, ब्लॉट टूल की खासियत क्या होती है और उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एंड सी द मैजिक। सो उसके लिए हम सबसे पहले फोटोशॉप का हेल्प लेंगे। फोटोशॉप में कोई पिक ओपन करेंगे। सपोज मान के चलिए हमारे पास ये पिक ओपन हो गया। अब यहाँ से हमको ब्लॉट टूल तक पहुँचना है। सो ब्लॉट टूल तक पहुँचने के लिए हमें इस फिल्टर का हेल्प लेना होगा। इस फिल्टर में क्लिक करने के बाद हमारे पास लिक्विफाई का ऑप्शन होगा। लिक्विफाई का ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे पास जो ये आइकन दिख रहे हैं, इसमें हमको ब्लॉट टूल तक पहुंचना है। सो दोस्तों, ये जो दिख रहा है यही है हमारा ब्लॉट टूल। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम ब्लॉट टूल के थ्रू किसी भी चीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सपोज मान के चलिए हमें ये पार्ट बड़ा करना है। सो हमें ये पार्ट बड़ा करने के लिए ब्लॉट टूल में क्लिक करेंगे। ब्लॉट टूल में सपोज मान के चलिए हमने क्लिक किया। अब यहाँ से सपोज हमें इस पार्ट को इन्हांस करना है। सो हमें इस पार्ट को इन्हांस करने के लिए इस पे क्लिक करना होगा। सो लेट अस स्टार्ट। हमने ब्लॉट टूल लिया और सपोज यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, इस पार्ट में कुछ चेंजिंग हुआ, यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग हुआ। सो जब तक सुटेबल फिगर तैयार नहीं हो जाता, क्लिक करते रहिए, क्लिक करते रहिए, क्लिक करते रहिए, क्लिक करते रहिए, क्लिक करते रहिए। एक ऐसा समय आएगा कि एक सुटेबल पिक तैयार हो जाएगा। सो हमारे पास जो इमेज है, ये इमेज रहा। अब हम इसे सेव कर लेंगे। इसे सेव करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इसे सेव करेंगे। सेव करने के पास हमारे पास जो मेड प्रोडक्ट आया, वो प्रोडक्ट रहा ये। सो हम देख सकते हैं कि एक सूटेबल पिक्चर हमारे पास आ गया। और जो पहले की पिक थी हमारे पास, वो पिक ये रहा। सो दोनों में क्या डिफरेंस है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे।